गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 20 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, पूरे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। अगर आपको परीक्षा 2 महीने बाद भी है तो दोस्तों इस पीडीएफ को आप पढ़ करके आप याद कर पाएंगे दोस्तों, यानी कि आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू फेस स्कैन, यानी कि निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन यानी कि जो हमारा चेहरा होता है उसको स्कैन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है दोस्तों। अब देखिए, विश्व का पहला देश बन गया जिसका नाम है सिंगापुर। और दोस्तों ये योजना है जो सिंगापुर 2021 में जो सिंगापुर के शहरी इलाके हैं वहाँ पर चालू करने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी लोग आएंगे उनको अगर सरकारी अपना काम करवाना होगा, बैंकिंग सेवाएं अगर लेनी होगी दोस्तों, तो उनको अनिवार्य कर दिया जाएगा। क्या? तो फेस स्कैन करवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो सिंगापुर को दोस्तों अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है दोस्तों, और इसी के साथ ये सिंगापुर ने ये भी कहा कि अगर इसका कोई व्यक्ति दुरुपयोग ना करे तो उससे रोकने के लिए दोस्तों इसका जो सिस्टम है बहुत मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सही से इसको याद कीजिएगा। और इसके अलावा भी दोस्तों कुछ अपने प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे जुड़े हुए। क्या दोस्तों, जो सिंगापुर है उसकी राजधानी भी सिंगापुर है, प्राइम मिनिस्टर है ली हिंसेंग लूंग, राष्ट्रपति हलीमा याकूब, और मुद्रा चलती वहाँ पर सिंगापुर डॉलर दोस्तों, वहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है, अगला, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 विच पोजिशन हैज इंडिया गोट इन द लिस्ट ऑफ 107 कंट्रीज, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। भारत को स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 94 नंबर का। जब ये रिपोर्ट जारी की गई तो ये देखा गया कि किस देश में कितने कुपोषित लोग और कितने भूखे लोग रहते हैं, तो उनके अनुसार ही दोस्तों इस इंडेक्स को जारी किया गया है दोस्तों। देखिए जो भारत का नंबर आपकी बार 94 नंबर पर, लेकिन बहुत खराब प्रदर्शन है दोस्तों भारत का, लेकिन पिछले सालों की अपेक्षा दोस्तों भारत का अच्छा प्रदर्शन। अब देखिए सन 2019 में जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी 107 देशों में से भारत का नंबर हुआ करता दोस्तों कितना, तो भारत का नंबर हुआ करता था 102 नंबर पर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब की बार 94 नंबर है तो कितने अंकों के साथ, तो 27.2 अंकों के साथ दोस्तों। अब देखिए जो अंक जारी किए जाते हैं ये 100 अंकों में से जारी किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सन 2000 में दोस्तों भारत का अंक हुआ करता था कितना, तो 38.9 अंक हुआ करता था। ठीक है, सन 2006 में 37.5 अंक, 2012 में 29.3 अंक हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब बहुत हमको ध्यान देना होगा कि जो भारत की गंभीर श्रेणी में डाल जाएगा दोस्तों। अब देखिए भारत के जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पड़ोसी देश हैं दोस्तों उसमें भारत का नंबर सबसे लास्ट में आता है दोस्तों। अब देखिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए जो बांग्लादेश है वो है इस रिपोर्ट के अनुसार 75 नंबर पर, म्यांमार 78 नंबर पर, और जो इसको हम दोस्तों पाकिस्तान कहते हैं वो नंबर पर है कितने, तो 88 नंबर पर। और दोस्तों जो नेपाल है वो कितने नंबर पर दोस्तों, नेपाल है 73 नंबर पर, और श्रीलंका 64 नंबर पर दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में हैगा। ठीक है, अब देखिए आप इनकी रैंकिंग देख लीजिएगा, और देखो हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट में नंबर वन देश कौन सा दोस्तों। अब देखिए नंबर देश का नाम है क्या, तो इसका नाम है दोस्तों बेलारूस। ओके, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। हु वॉज अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड फॉर द सेकेंड टाइम, यानी कि न्यूजीलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बन जाएंगे दोस्तों। अब देखिए न्यूजीलैंड की दूसरी बार दोस्तों प्रधानमंत्री बन जाएंगे जिनका नाम है ऑप्शन नंबर यानी कि जैकिंडा अर्डन दोस्तों। अब देखिए जब न्यूजीलैंड दोस्तों जहाँ की जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं कितने साल के लिए, तो 3 सालों के लिए दोस्तों नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 3 सालों का होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अभी देखिए दूसरी बार बनी है, तो पहली बार ये बनी होंगी यानी कि 2020 से 3 साल पहले कब, तो 2017 में दोस्तों ये बनी होंगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए विश्व का दोस्तों सबसे पहला देश जहां पर कोविड फ्री दोस्तों देश घोषित किया गया था, और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सबसे
कड़ा दोस्तों कहीं भी लॉकडाउन लगाया गया था वो लगाया था न्यूजीलैंड में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जैसे दोस्तों वहाँ पर केस आए, वैसे जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट थे दोस्तों, आने जाने वाले लोग थे, उनको दोस्तों बैन कर दिया गया दोस्तों, उनको मना कर दिया गया दोस्तों, वहाँ न्यूजीलैंड में आने नहीं दिया गया, और इससे कारण दोस्तों विश्व का पहले से बन गया कोविड फ्री न्यूजीलैंड, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं इनके वोट के ऊपर दोस्तों। अब देखिए जो न्यूजीलैंड के दोस्तों संसद में जो सीटें हैं कितने, 120 सीटें हैं, ठीक है, और उसमें से कुल वोट पड़े 83.7% दोस्तों वोट पड़े, और उसमें से इनको 49.2% दोस्तों वोट पड़े, ठीक है। किस पार्टी से दोस्तों ये प्रधानमंत्री नियुक्त की गई दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं लेबर पार्टी के तरफ से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इनकी एज हम जान लेते हैं दोस्तों, इनकी एज है 40 साल, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट न्यूजीलैंड के बारे में, क्योंकि न्यूजीलैंड से दोस्तों प्रश्न में पेपर में प्रश्न पूछा जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए जो न्यूजीलैंड इसकी राजधानी है वेलिंगटन, प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन जिनके बारे में आपने देखा, और मुद्रा चलती है दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर, वहाँ पर दोस्तों मुद्रा चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न तीन नंबर के लिए, हु हैज़ पिन द बुक नेम्ड ऑन द ट्रेस ऑफ बुद्धा ए जर्नी टू द ईस्ट, यानी कि ऑन द ट्रेस ऑफ बुद्धा ए जर्नी टू ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है जिनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीपांकर अरुण दोस्तों। अब देखिए इस पुस्तक को 14 अक्टूबर 2020 को दोस्तों लॉन्च कर दिया, कहाँ से, तो नियोगी बुक्स लिमिटेड के दोस्त तरफ से इसको प्रकाशित कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो इसका आगे वाला भाग है उसको लिखा किसने, तो उसको लिखा है लोकेश चंद ने दोस्तों, जो लोकेश चंद है उनको पद्म विभूषण से भी दोस्तों नवाजा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो किताब है उसमें लिखा गया पूर्व दोस्तों डिटेल के तरीके से 2000 ईस्वी तक में दोस्तों किसके बारे में, तो बुद्धा का दोस्तों कैसे जीवन रहा, ठीक है, और उनके जो अनुयायी रहे दोस्तों वो एशिया में, यानी कि दोस्तों पूरे विश्व में वो कैसे कैसे फैले, और वहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिक दार्शनिक सांस्कृतिक दोस्तों खोज की, और कैसे कैसे दोस्तों वहाँ पर अपना प्रचार किया दोस्तों, और मुख्य तौर पर कहाँ पर, तो चीन, कोरिया, ताइवान, जापान और मंगोलिया में, ठीक है दोस्तों। अब जब हम जानेंगे इसके लेखक यानी कि दीपांकर अरुण के बारे में दोस्तों, अब देखिए जो दीपांकर अरुण है ये 1996 बैच के एक IAS अधिकारी हैं दोस्तों, ठीक है, और ये पूर्व में जो हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली है दोस्तों, उसके पूर्व छात्र रह चुके हैं, और दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम पर पश्चिम बंगाल में दोस्तों कलकत्ता में भारतीय खुफिया एजेंसी में दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर अपनी सेवाएं ये दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और इनको राष्ट्रपति की तरफ से 2016 में दोस्तों इनको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी दोस्तों नवाजा जा चुका है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न कितने नंबर के लिए, तो पांच नंबर के लिए, फ्रॉम वेयर इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी टू मिसाइल, यानी कि भारत ने कहां से परमाणु सक्षम पृथ्वी टू मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों। अब देखिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, राज्य का नाम है दोस्तों उड़ीसा। अब देखिए आपको दोस्तों मैं एक बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आमतौर पर जो भी इसरो अगर दोस्तों कोई भी मिसाइल को लॉन्च करता है, ठीक है, तो उसको लॉन्च करेगा कहाँ से दोस्तों, वो लॉन्च करेगा आंध्र प्रदेश से, नहीं दोस्तों केरल से, ठीक है। अगर दोस्तों DRDO किसी को लॉन्च कर दोस्तों कोई मिसाइल दोस्तों जो रक्षा से जुड़ी मिसाइल हैं वो लॉन्च कहाँ से करता है, तो वो करता है उड़ीसा से क्या, और राजस्थान से दोस्तों वो लॉन्च करता है दोस्तों, ठीक है, ऐसा पूछ जाएगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो पृथ्वी टू नामक दोस्तों जो मिसाइल है इसको उड़ीसा तट के है दोस्तों बालासोर, और उसके पास में एक जगह है चांदीपुर, वहां से दोस्तों उसको लॉन्च किया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया दोस्तों, इसको लॉन्च किया DRDO ने, और दोस्तों जो DRDO जो भी जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, और उन्होंने जो इंडियन नेवी के दोस्त जो अधिकारी हैं सैनिक है दोस्तों, उनके सहयोग से इसको लॉन्च करने का काम किया दोस्तों, इसको मध्य रात्रि में आएंगे दोस्तों, इसको रात में लॉन्च किया गया DRDO के तरफ दोस्तों। अब देखिए भारत की पहली भारत में बनी हुई यानी कि दोस्तों स्वदेशी रूप से सतह से सतह में यानी कि दोस्तों ये जमीन से और जमीन पर मार करने वाले दोस्तों एक रणनीतिक मिसाइल है, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा बहुत डिटेल तरीके से। अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए इसको लॉन्च किया DRDO ने, तो सबसे पहले पूछा गया DRDO का फुल फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी
1998। और दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी कब, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, यानी कि इसके बाद में इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली। और दोस्तों ये किस मिनिस्टर के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री कौन सा, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय है। और जो रक्षा मंत्री भारत के बने टाइम पर कौन, तो राजनाथ सिंह। और दोस्तों इनका संसदीय क्षेत्र है कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, अब देखिए जो डीआरडीओ है इसके पढ़ने के चेयरमैन और इसके सचिव तो कौन दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, अगला प्रश्न, SLINEX स्टार्टेड नेवल एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि भारत और किस देश के बीच नौसेना का वार्षिक अभ्यास है जिसका नाम है SLINEX, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। दोस्तों अब देखिए इसकी शुरुआत कर दी गई है किसके बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक वार्षिक तौर पर एक नौसेना का दोस्तों एक युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये युद्धाभ्यास हो रहा है ये इसका 8वां संस्करण यानी कि 8वीं बार दोस्तों इसका अभ्यास हो रहा है। एक बार दोस्तों ये भारत में होता है तो एक बार ये श्रीलंका में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब की बार ये 3 दिनों के लिए इसका आयोजन किया गया, कब से कब तक, तो 19 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में दोस्तों इसका आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें जो भारतीय का नौसेना है दोस्तों उसके तरफ दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा, तो कोरवेटस करमाटो नाम का दोस्तों एक हमारा युद्धपोत है वो इसमें भाग लेने वाला है। ठीक है, और दोस्तों श्रीलंका के जो नेवी के तरफ है उनका सिप सायुरा और गजबाहु एक प्रशिक्षण पोत है दोस्तों वो इसमें शामिल होने वाला है। ठीक है, अब हम देखें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में, तो श्रीलंका के बारे में। अब देखिए जो श्रीलंका है उसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टी, इसके प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। और दोस्तों मुद्रा है क्या, तो श्रीलंकाई रुपया दोस्तों उसकी मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो महिंद्रा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे दोस्तों ये एक भाई है, सगे भाई हैं और दोस्तों काफ़ी समय से ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोस्तों बदल बदल के भी रह रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हु रिसीव्ड द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, यानी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है दोस्तों जो 2020 का, ये किसे मिला दोस्तों, ये मिला है भारत के रहने वाले जिनका नाम है ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों ऐश्वर्या श्रीधर। दोस्तों इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज है 23 ईयर ओल्ड और रहने वाले दोस्तों ये मुंबई के। दोस्तों अब देखिए ये भारत की तरफ से दोस्तों ऐसे पहली महिला हैं जिनको इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दोस्तों अब देखिए ये सबसे पहली महिला भी हैं दोस्तों और सबसे कम उम्र की दोस्तों ये व्यक्ति हैं भारत की तरफ से इस पुरस्कार को लेने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का दोस्तों पुरस्कार है ये इसका अब की बार का दोस्तों 56वां संस्करण है, यानी कि दोस्तों ये 56वीं बार इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पूरे वर्ल्ड के 80 देशों में से दोस्तों फोटो चूज की कितनी, तो 5000 से अधिक दोस्तों फोटो चूज की। अब देखिए इसमें से फोटो निकालेगी अलग से 100 फोटो दोस्तों, अब देखिए 100 फोटो में से जो ऐश्वर्या श्रीधर की दोस्तों जो फोटोएं थी और उसको अब दोस्तों चुना गया इस पुरस्कार के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो पुरस्कार इसकी घोषणा की गई कहाँ पर, तो इसकी घोषणा की गई लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से दोस्तों इसकी घोषणा करी गई। ठीक है दोस्तों, अब जल्द ही इस पुरस्कार को दे दिया जाएगा इसको, तो ऐश्वर्या श्रीधर को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिकेटर उमर गुल हु अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली प्लेड फॉर विच कंट्री, यानी कि क्रिकेट खिलाड़ी उमर गुल ने हाल ही में किस देश के लिए संन्यास की घोषणा की, दो संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों ये पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं और उन्होंने दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा कर दिए दोस्तों। अब देखिए इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज है 36 ईयर ओल्ड दोस्तों और ये पाकिस्तान की दोस्तों टीम के तरफ से इन्होंने अपना लास्ट आखिरी ODI यानी दोस्तों एक दिवसीय मैच होता है वो खेला था कब, तो 2016 में दोस्तों वो मैच खेला था। लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट में दोस्तों ये वनडे और टेस्ट में दोस्तों 2013 में दोस्तों इनका पदार्पण हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इन्होंने अपना आखिरी दोस्तों टेस्ट मैच खेला कब खेला, तो 2013 में और ये साउथ अफ्रीका के विरुद्ध दोस्तों उन्होंने अपना खेलने का काम किया दोस्तों। अब देखिए अपने अपने टेस्ट के करियर में 47 दोस्तों इन्होंने टेस्ट मैच खेले और उन्होंने में 34.06 के औसत से 163 दोस्तों विकेट लेने के उन्होंने काम किया। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ साथ इन्होंने जो इन्होंने अपना वनडे मैच खेला कितने, तो 130 इन्होंने अपने वनडे मैच खेला और उसमें 179 इन्होंने अपना विकेट लेने का दोस्तों काम किया। और उसके अलावा जो हमारा
T20 का मैच होता है दोस्तों, उसमें उन्होंने 60 मैच खेले और उसमें इन्होंने 85 विकेट लेने का काम किया दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा कि उन्होंने संन्यास ले लिया सारे फॉर्मेटों से और ये पाकिस्तान के दोस्तों पूर्व खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए हैंडबुक ऑन टीवी हारेगा देश जीतेगा, यानी कि किस राज्य ने टीवी हारेगा देश जीतेगा नामक हैंडबुक लॉन्च किया दोस्तों। अभी किस हैंडबुक को लॉन्च किया है किसने, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों नागालैंड ने। कब, तो 16 अक्टूबर 2020 को। अब देखिए, जो नागालैंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है जिनका नाम है एस पनग्यान फार्म दोस्तों, और उन्होंने इस हैंडबुक को लॉन्च करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए इस हैंडबुक में दोस्तों क्या लिखा गया दोस्तों, अब देखिए इस हैंडबुक में लिखा गया दोस्तों कि जो नागालैंड सरकार है वो जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर दोस्तों और राज्य के स्तर पर क्या क्या दोस्तों काम करे यह है, क्या क्या इसकी योजनाएं हैं और टीवी से जुड़ी है दोस्तों, और सारा दोस्तों इसमें लिखा गया, और कैसे कोई व्यक्ति टीवी से लड़े, कैसे उससे जूझे और कैसे उसको हराए, और उसके बारे में दोस्तों बहुत डिटेल तरीके से इसमें लिखा गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आपको याद करना होगा कि जो भारत सरकार है दोस्तों उसने पूरे भारत में जो टीवी है दोस्तों यानी जो तपेदिक है उसको हराने का दोस्तों एक डेडलाइन जारी किया। कब, तो 2025 तक दोस्तों डेडलाइन जारी किया गया है कि 2025 के बाद में भारत में एक भी टीवी केस नहीं रहेगा दोस्तों। अब देखिए पूरे वर्ल्ड का दोस्तों कब तक का ये डेडलाइन है, तो पूरे वर्ल्ड का दोस्तों एन टीवी का डेडलाइन है कब, तो 2030 का, लेकिन दोस्तों भारत का कब का है, तो भारत का 2025 यानी कि 5 साल पहले का ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो नागालैंड के बारे में, जिसकी राजधानी है कोहिमा, इसके चीफ मिनिस्टर है निपिहू रियो और यहाँ पर गवर्नर है आरएन रवि, और यहाँ पे पलम सीटें राज्यसभा की भी एक है और लोकसभा की भी एक ही है। ठीक है, राज्य बना था कब, तो 1 दिसंबर 2013 को। ठीक है, इसका राजकीय जानवर है दोस्तों मिथुन, जो आपको ये दिख रहा है फोटो में। ठीक है, एक बार दोस्त सांड है। ठीक है, इसका बर्ड है वेलेटेन ट्रैगोपेन फूल रेडो ड्रैगन, और दोस्तों पेड़ है एल्डर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस नागालैंड से एक और दोस्तों प्रश्न पूछा जाता रहा है कि जो नागालैंड दोस्तों इसका राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, इसका राजकीय भाषा क्या है, इसका राजकीय भाषा है इंग्लिश, और इसके दोस्तों रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, सब में पेपर में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज की वीडियो को लास्ट और 10 नंबर के लिए प्रश्न, पद्म भूषण विलियर्स सुब्रमण्यम नारास्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों। अब देखिए वो एक प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी है कि दोस्तों वो एक प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है दोस्तों, जो इनका मृत्यु हुआ तो कब, तो 86 साल की एज में दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई, और उनके घर यानी दोस्तों उनका निवास स्थान चेन्नई के मायापुर में दोस्तों इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बहुत ही मशहूर दोस्तों ये कन्नड़ के कौन से, तो गायक ये रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1934 को ब्रिटिश भारत के दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी है, और अब क्या हो गया दोस्तों, अब हो गया तमिलनाडु, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, तंजावुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने इनको दोस्तों भारत सरकार की तरफ से 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें याद करना होगा। अब हम देखेंगे जो हमने पिछले यानी कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था, क्या कि ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा कर दी दोस्तों। अब देखिए ये इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके प्रेजेंट टाइम के दोस्तों कप्तान है तीरू फोर्मोटो का, जिनका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों विराट कोहली, और प्रेजेंट टाइम पर जो बेंगलोर की दोस्तों टीम है आईपीएल की, उसके भी ये कैप्टन है, और आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दोस्तों ये खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे आज का किसने जवाब दिया इस प्रश्न का दोस्तों। अब देखिए इस प्रश्न का जवाब दिया विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुलती घोष, शक्ति कुशवाहा, सर्वेश काजी, अमन कुमार, श्रीमान तभाग और निखिल मधेशिया। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों। अब देखिए जैसे मैं आप रोज कहता हूँ कि आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा का सारा दोस्तों आप डिटेल में लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। ठीक है, अब जैसे आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस दोस्तों जो भी ज्ञान है इसको दूसरे लोगों तक आप अवश्य पहुँचाए, और दोस्तों पहुँचाने के लिए वो करने का हो गया, तो कम से कम
पांच लोगों को शेयर करना होगा दोस्तों, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप होंगे वहां पर इसको तो अवश्य ही कर दीजिएगा। और ठीक है, और जो भी नए लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब तो करिए, और जो आगे जो आपको बेल बटन दिख रहा है उसको भी अवश्य दबाइएगा, ठीक है, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।